अज दे दिन 4 साल पहला पुलवामा अतवादी हमले विच शहीद होए दीनानगर दे CRPF जवान मनिंदर सिंह नू उहनां दे गृह दीनानगर विखे परिवार वलों श्रद्धांजलि भेट की गई। इस मौके शहीद दे परिवार ने कहा कि वह मनिंदर नू कदे भी नहीं भूल सकते। इस दे नाल ही उन्होंने कहा कि अज भी वह अपने पुत्र की अणहोंद महसूस कर रहे हैं जो कदे भी पूरी नहीं हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट अज दी आवाज। मेरा नाम सतपाल अत्री अज बेटे की मैं 34 सालगिरह मना रहा। तो मैंने तो यही याद है कि जिदा हमने ही 1 साल ही अजय कुछ पलिया हुई है, लेकिन उन्होंने 4 साल हो गया। 20 तो 19 की घटना जी है ये जी कि पुलवामा के CRPF की बस के उत्ते अतवादियां हमला करके विस्फोट नाल उड़ाई सी, उसके मेरा बच्चा मनिंदर सिंह नाल अज भी मैं वही है कि मेरे ख्याल मेरे को आके कि गले मिलता कि नहीं मिलता और कदों आएगा। 4 साल बीत गए लग रहा कि 4 साल हाँ इदा मैं लगता है कि मेरे चार पाली ना 4 साल मैं महसूस हो रहा कि ये हमने ही मेरे को गया है कि और मेरे को आएगा। इतों तक मैं कुदरत को ये चीज़ा मंग रहा। कई बार सियासत भी कई बार बयान आते हैं पुलवामा ये जो बयान है मैंने कई बार ये आया कई लीडर ने कहा है कि फौजी जो मरण वास्ते बनते हैं ये वो ये चीज़ा जीडिया मेरे से जे बच्चे फौजा चाह बैल्ट सर्विस से उन्होंने बिल्कुल शोभा नहीं दी। ये लीडर ने अपनी लेडी चमकाने वास्ते इदा के जो गलत बयान देंगे ये साथों बर्दाश्त नहीं होते और ना साथों बर्दाश्त हो सकते हैं। देश के वास्ते शहीद होना तो ये किसी वास्ते नहीं, सारे लीडर वास्ते भी है, गलत बयान देने वास्ते भी जो सही बयान इन्होंने हक है ना उन्होंने वास्ते भी ना तो ये कमर न तो इस वास्ते इन्हें कोई सही भी पॉइंट से विरोध तो नहीं करनी चाहिए। मैनू जैकेट दिती सी उन्हें पाउण वास्ते मैं सांभ के रखी हुई है अजे भी। हां बहुत ज्यादा यादगार हर साल मनांदे रहांगे आपां। जी मेरा नाम लखवीर सिंह है जी, मैं पुलवामा अटैक के शहीद हुए मनिंदर सिंह अत्री का छोटा ब्रदर है जी। मैं इस समय अपनी ड्यूटी पठानकोट पंजाब पुलिस निभा रहा जी। पहले CRPF दे की घर के हालात बन गए देखो जदों जदों पुलवामा अटैक होया जी तो उस समय मैं आसाम के अपनी ड्यूटी निभा रहा सी। तो जो मैं पता लगा कि ये चीज़ हुई है जो पुलवामा अटैक के ब्रदर भी जोड़े आ शहीद हो गए ने सुन के मन में बहुत ठेस लगी और कितना कितने गर्व भी महसूस होया कि चलो देश के खातर जो है शहीद होना बड़े गर्व की गल है जी। तो उस तो बाद घर के हालात बहुत नाजुक हो चुके सी। फादर साहब कले से बजुर्ग से उन्होंने देखभाल वास्ते कोई नहीं घर, मदर मेरे ऑलरेडी 12-13 साल हो गया उन्होंने डैथ हुए। सो घर के हालात बहुत माड़े हो चुके थे जी। ब्रदर की बहुत ज़्यादा सपोर्ट सी मैनू जी, कह सकते हो कि प्यो वांगू मैनू गाइड करता सी जी। मैं जो भी है वो बदौलत है जी, तो मोटिवेशन मतलब वो गाइडेंस जी मैनू हमेशा रहेगी तो हमेशा की कमी महसूस होएगी। पर चलो देश की खातर शहीद होया तो सानू हमेशा गर्व देगा।